भाई रूपमती के महल पहुंचने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ेगी, पता ही नहीं था। भयंकर भीड़ हो रही है, 1 किलोमीटर तक का रास्ता जाम था और अंततः बाइक लेके पहुंच ही गया मैं। वैसे आता तो काफ़ी दूर था। क्या है यार, पूरा सारी पॉपुलेशन यहीं पे दिख रही है, एमपी की लग रहा। तो करीब 10 किलोमीटर के एरिया में ढेर सारा कंस्ट्रक्शन मांडू के राजा ने बनवाया है। तो चलते हैं भाई इस महल के अंदर, क्या है। रानी रूपमती का महल भाई, कम से कम 2 से 2.5 मीटर की मोटी दीवार है भाई, इतना प्रचार कर रहे हैं। ये तो काफी भव्य दिख रहा है, ये कैसे बना होगा यार। पर कुछ नहीं है यार, इसी को देखने के लिए इतनी भीड़ आई हुई है तो भाई अद्भुत। लेकिन इतनी भीड़ मैंने सोचा नहीं था यार, इतनी भीड़ होगी। दो किलोमीटर लंबी लाइन और इतनी मेहनत के बाद यहाँ पहुँचे। ये रहा किला महल, इसके अंदर घुस जाओ, अच्छा व्यू आ रहा है। कैसे बना होगा, तो पुरानी चीजें आज भी वैसे पड़ी हुई है। तो दीवारें, इसके पिलर्स बहुत बड़े हुए हैं, मोटे मोटे करीब 2-2.5 मीटर के पिलर हैं इसके। इसके ऊपर भी जाने का रास्ता है। इधर से बड़ी अच्छी हवा आ रही है। किस तरह के गली में आ गए भाई साहब, ये तो पतली गली है एकदम बिल्कुल है। इसके अंदर झांक के देखें क्या है। अरे भाई ये क्या क्या बने हैं यार, इसमें तहखाने टाइप के बने हैं ढेर सारे अंदर। तो पूरा अंधेरा हो गया, हाँ यहाँ उजाला आया थोड़ा, एकदम तहखाना बना हुआ है।
तो इस तरह का, और बीच बीच में ऊपर से उजाला और हवा आने के लिए बना हुआ। हमें तो लग रहा था आने जाने का रास्ता कर रही है क्या। ये था रूपमती का महल, एक बार फिर से देख लो। सही है तो चलते हैं भैया, हो गया रूपमती का महल। इतना ही देखने के लिए इतनी भीड़, मैं तो 10 मिनट में घुमाया इसको, क्या करना है उसमें, कलाकारी थोड़ी ना करनी है। 10 मिनट का काम था और सुबह से लेके शाम तक लोग इसमें भीड़ लगाए बैठे हैं, जमे बैठे खाना खा रहे हैं और बस पूरा दिन गुजार रहे हैं बस, है और क्या तो चलते हैं अगले महल की ओर। तो हम पहुंचे हैं जामी मस्जिद और यहाँ का जो है एंट्री बंद हो गया है, तो बाहर से ही थोड़ा बहुत बना लेते हैं भाई, लेकिन बहुत विशाल बना हुआ है। और ये इस तरह से देखो, चारों तरफ से जो है किनारे किनारे दरवाजे बने हुए हैं और इसके ऊपर अंदर जाने का भी काफ़ी बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। रोड से मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा अच्छा आएगा, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है और फटाफट देख के निकलते हैं। कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है इसका। ये पीछे रहा जामी मस्जिद, बंद हो गया, कोई फायदा ही नहीं। बरगद का पेड़ बहुत बड़ा है, और ये भी है इधर विजय स्तंभ, टावर ऑफ विक्ट्री। जहाज महल देखने के लिए तो बंद हो गया, पूरा दिन भर बेकार हो गया एकदम, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ लगी है लोगों की, जाने का मौका नहीं मिल रहा। बंद हो गया भाई, कुछ कोई फायदा नहीं है। ये था जहाज महल, पता नहीं कौन सा जहाज महल है, थोड़ा सा देखते हैं। प्रयास कर रहे हैं घुसने का महिला।